धोरण सात विषय हिंदी पाठ छ डॉक्टर विक्रम साराभाई। आपणे स्वाध्याय सुधी आया था। स्वाध्याय पेज नंबर 36 खुल्लो राखजो, खोलशो तो तमने स्वाध्याय में ध्यान आवशे। एनामा छे प्रश्न एक, कोष्टक में दिए गए शब्द को उदाहरण के अनुसार बल्ले ऊपर इस तरह रखो जिसका अर्थपूर्ण वाक्य बने। ये पूरा ऊपर कोष्टक में दिया हुआ ही है। पहला लिखा हुआ है उदाहरण के तौर पर, भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। फिर एक दूसरा वाक्य बनता है, विक्रम साइकिल पर कलाबाजियां करते थे। जो तुम शब्द ले लो वो शब्द को पेंसिल से अंडरलाइन कर दो। यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। उनके प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। चौथा, डॉक्टर विक्रम ने भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया। इस तरह चार वाक्य बनेंगे। फिर उसके नीचे प्रश्न दो, निम्नलिखित एक वचन शब्दों का बहुवचन बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो तुम उत्तर दो उसका वाक्य में प्रयोग करना है। और मुहावरे के अर्थ में क्या होता है, जो प्रश्न हो उसका वाक्य बनाना। ये ध्यान रखना विद्यार्थी कि क्या बोला है, कि एक वचन हो, लिंग परिवर्तन हो, तो उसको वाक्य बनाने के, वाक्य में प्रयोग करने का बोले तो आप लोगों को उसमें जो तुम आंसर दो, जैसे राजा तो रानी, जैसे रानी का आंसर दिया तो रानी का वाक्य बनाने का है, राजा का नहीं। जो तुम आंसर दो, जिसका उत्तर तुम दो उसका वाक्य बनाना है। यहाँ है लड़का तो लड़के, तो यहाँ पर तो दिया हुआ है दोनों में वाक्य प्रयोग किया हुआ है। अगर तुमको एग्जाम में के अगर लिखा हो जैसे उदाहरण दिया हुआ हो उसी तरह समझ, सोच समझ के लिखना। तो लड़का, तो लड़का मैदान में खेल रहा है। अने लड़के, तो लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो देखा कितना अंतर, लड़का अने लड़के पूरा वाक्य में कितना अंतर आता है। फिर दूसरा है किताब, तो और किताबें, मैंने किताब खरीदी, मैंने दो किताबें खरीदी। फिर नदी, नदी नदिया, नदी का पानी पीने जैसा है, नदियां हमें पानी देती है। नारी नारिया, नारी मधुर गीत गाती है, नारियां मधुर गीत गा रही है। माली माली, माली है उसका एक वचन माली रहेगा और बहुवचन भी माली ही रहेगा, उसका एक ही वाक्य बनेगा। माली माली पौधों से फूल तोड़ रहे है। फिर है निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी अपनी गुजराती भाषा। मैं एक वाक्य हिंदी और एक वाक्य गुजराती पूरा करूंगी। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक नहीं थे, तेवो फक्त उच्च कोटिना वैज्ञानिक ज नहोता, बल्कि व्यवस्थाओं के बावजूद कला, परंतु काम में व्यस्त रहवा छता कला, शिक्षण समाज के लिए पर्याप्त समय निकाल लेते थे। शिक्षण तथा समाज ने माटे पूरतो समय काढ़ी लेता हता। उनके ही प्रयत्नों से अहमदाबाद ने लोक विज्ञान केंद्र, एमना ज प्रयत्न ना लीधे अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संसाधन की स्थापना हुई। अने नेहरू विकास संसाधन की स्थापना थी। यहाँ वह जन्म जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते थे। अहीं तेवो सामान्य मानस ने विज्ञान प्रति रुचि जागृत करवा माटे कार्यरत करता था। अवे आपणे भाषा सज्जता देखीशुं, पेज नंबर 37 पर छे। पढ़िए और समझिए। यह किताब कोकिला की है। तो लड़का गेंद से खेल रहा है, दरवाजे पर कोई है, प्रीति के पास कुछ तो है, तो यह लड़का कोई कुछ।
उसके आगे है उपयुक्त वाक्य आधार पर से प्रश्न के मौखिक उत्तर जो ऊपर है ना। देखो किताब किसकी है, यह निकाल दिया, किताब किसकी है तो कोकिला की, कौन खेल रहा है तो लड़का, दरवाजे पर कौन है तो कोई है, प्रीति के पास क्या है तो कुछ है। तो वाक्य एक और दो में आपने व्यक्ति या वस्तु का नाम बताते हुए और तीन और चार में निश्चित व्यक्ति और वस्तु का नाम नहीं बता सकते हैं, बराबर। दरवाजे पर कोई है, कोई है नाम नहीं बताया हुआ, प्रीति के पास कुछ है, और दो आगे के दो वाक्यों में किताब किसकी है तो कोकिला की है, कौन खेल रहा है तो लड़का ही खेल रहा है। तो इस तरह दरवाजे पर कोई हो सकता है, प्रीति के पास कुछ भी हो सकता है, इस तरह समझ में। निश्चयवाचक सर्वनाम पहले दो वाक्यों में निश्चितता, अतः जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु का व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह वह, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरे चौथे वाक्य में जो अनिश्चितता बताई हुई किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो तब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जैसे कोई और कुछ। तो इस तरह आपको यहाँ तक हिंदी की नोटबुक में भाषा सज्जता के साथ अच्छे अक्षरों से उदाहरण के साथ लिखना है। अस्तु।